हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ. ओम्स लॉ वेरीफाई करना है. ओम्स लॉ वेरीफाई करने के दो तरीके हैं. देर आर टू मैथड टू वेरीफाई ओम्स लॉ. पहला होता है मैथमेटिकल और दूसरा ग्राफिकल. मैथमेटिकल मैथड देख रहे हैं. अब मैथमेटिकल मेथड में हम एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं, हम शो करेंगे कि किसी भी कंडक्टर का जो है ना रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब हम वी अपॉन आई निकालेंगे बस, अलग अलग वैल्यूज के लिए ना, वी और आई की अलग अलग वैल्यूज के लिए वी अपॉन आई निकालेंगे और हर बार वो क्या आएगा, सेम आएगा. अगर वो हर बार सेम आ जाता है यानी कि कॉन्स्टेंट आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया. इसके लिए ना एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा. ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमें कुछ फाइंड करना है. ये वोल्टमीटर है, ये एमीटर है. वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस. एमीटर क्या मेजर करेगा, करंट. बैटरी लगा दिए, स्विच लगा दिए, एक रियोस्टेट लगा दिए. पहले हमने ना ये सेटअप प्रिपेयर किया, रियोस्टेट की कोई मिनिमम वैल्यू रख दी, जो भी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, कुछ भी रख दो, मिनिमम रखो मैक्सिमम रखो कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने मान लो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट कर लिया. एडजस्ट द रियोस्टेट टू अ मिनिमम वैल्यू एंड क्लोज द स्विच. स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज करते हैं करंट फ्लो हो जाएगा. एमीटर की और वोल्टमीटर की रीडिंग मेजर कर लो. एमीटर की रीडिंग को I1 मान लो, वोल्टमीटर की रीडिंग को V1, और ना V1 अपॉन I1 निकालो. कर लिया. अब क्या करो, स्विच ओपन कर दो, खोल दो, थोड़ा सा रियोस्टेट को एडजस्ट करो, आगे पीछे करो. एडजस्ट किया, फिर स्विच क्लोज करो और फिर से देखते हैं करंट को फ्लो होने दो. जब करंट फ्लो होगा ना, फिर एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग निकालो. मान लो V2 अपॉन I2, V2 I2 आ गई, इसका निकालो V2 अपॉन I2. और इस तरह से ना चार पाँच बार तक ये काम करो. तो पहले तुमने V1 I1 निकाला था, फिर तुमने V2 I2 निकाला, उसके बाद तुमने V3 I3 निकाला, फिर V4 अपॉन I4 निकाला. और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2, V3 अपॉन I3 एंड V4 अपॉन I4, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, ये सेम है. अगर इन सबकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है. और अगर रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो ये क्या हो गया, ओम्स लॉ वेरीफाई.